एक भी आदमी का नाम बता दीजिए, कोई देश और राज्य का नेता हो जो आरक्षण की बात करता हो। सुप्रीम कोर्ट का कहना है जो आर्थिक रूप से प्रबल है उन्हें आरक्षण की क्या आवश्यकता है। एक कोई काम जो दलितों पिछड़ों अकलियतों के लिए उन्होंने किया। जब आपकी सरकार 15 साल थी तब आपने विशेष राज्य के दर्जे के बारे में क्यों नहीं सोचा? संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करो, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करो, है हिम्मत? हमारे कुछ लोगों को जो है सो साथ में लेकर के और मुखौटा बन के जो है सो आरक्षण का तार तार कर रहे हैं। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, उसका सीधा सीधा उल्लंघन है। ये गांधी के साथ भी अत्याचार है और अम्बेडकर के साथ भी अत्याचार है। जो लोग आरक्षण की बात करते हैं सत्ता पक्ष के लोग, उनको आरक्षण से कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, यूं तो आरक्षण को लेकर आए दिन विवाद होते रहता है, लेकिन इस बार जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 7 जजों के पीठासीन ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है आरक्षण को लेकर, SC ST के आरक्षण को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि SC ST में वर्गीकरण होगा और वर्गीकरण के आधार पर जो होंगे लाभ लेने के लायक होंगे उनको उस चीज का लाभ दिया जाएगा। इन सभी तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो दो नेता उपस्थित हैं, RJD के कदावर नेता है। पहले हम श्याम रजक जी से बात करना चाहेंगे। सर, वर्गीकरण किया जा रहा है SC ST कम्युनिटी में, जो आरक्षण पहले दिया जाता था अब वो वर्गीकरण करने के बाद दिया जाएगा उसके आधार पर। भारत के संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति को जो आरक्षण है वो किसी का भीख नहीं है। वो साफ है कि सामाजिक विषमता थी, शैक्षणिक विषमता थी, राजनीतिक विषमता थी, इस कारण उनको आरक्षण का प्रावधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और संविधान सभा के तमाम लोगों ने करने का काम किया। उसमें कहीं ये नहीं था कि वो रोजगार मुखी होगा, आर्थिक मुखी होगा, ये नहीं है। कोई को जो सामाजिक तरह से जो तिरस्कार होता है, अपमान होता है, और वो आज भी चल रहा है। अलग है कि उसके आंकड़े कम और ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आज भी घोड़ा पर बैठ कर करके कोई दलित का बेटा गांव में बारात नहीं निकाल सकता है। मंदिर के बाहर, चाहे वो, मैं नाम नहीं लूंगा, सारे मंदिर बड़े बड़े कटोरा लेकर के बाहर कौन लोग बैठते हैं, कटोरा लेकर करके अंदर कौन लोग बैठते हैं, ये पहले देख लीजिए। तो वर्गीकरण आर्थिक नहीं था, सामाजिक था, और इसको आर्थिक रूप से करना ये पूरे रूप से संविधान के विरुद्ध है। मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे कहने में जरा सा भी निसंकोच नहीं है, मैं कोर्ट के टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करना चाहता हूँ, लेकिन आज सवाल कुछ लोग ये भी उठा रहे हैं, आम जनता उठा रही है, जो दलित समाज है, कि जो जजेज हैं, जिन लोगों ने फैसला दिया उसमें दलित पिछड़े के लोगों का प्रतिशत क्या था, और जो एडवोकेट जो इसकी वकालत कर रहे थे कि वर्गीकरण किया जाए, वो किस वर्ग के थे? अगर उनका वर्गीकरण नहीं है तो फिर वर्गीकरण की बात करना ये निश्चित रूप से समाज में कटुता फैलाना वाली बात होगी। हम तो ऐसे ही सताए हुए लोग हैं, और आप उसको आर्थिक से जोड़ कर करके आज कोई IAS का बेटा या कोई IAS या IPS या कोई बड़ा शिक्षक जो विद्वान हो दलित समाज का, वो अगर जाएगा गांव में तो उनको जो निरपर, लेकिन वो उस बड़े समाज का व्यक्ति होगा, उसके बच्चे को भी पैर छू करके प्रणाम करना पड़ता है। वो जो बड़े दलित वर्ग का जो बुद्धिमान विद्वान और काफी ज्ञानी हो, उनको कोई चरण छूने का काम नहीं करेगा। ये विषमता नहीं है तो और क्या है? इसका वर्गीकरण करना, ये समाज में मेरा साफ मांगना है कि भारत सरकार को अगर दलितों पिछड़ों और आदिवासियों के प्रति थोड़ा सा भी अगर उनको दर्द है या वो राजनीति करना चाहते हैं, तो जिस तरह अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम को मान्यवर सर्वोच्च न्यायालय ने खत्म करने का काम किया था और उसके खिलाफ पूरे देश में जंग हुआ था, तो भारत सरकार को अध्यादेश ला करके उसको फिर से बहाल करने का काम किया। आज पुनः वहां संसद में हम तमाम विपक्ष और सत्ता के लोगों से कहना चाहते हैं, दलित जो समुदाय के लोग हैं, आदिवासी समुदाय के लोग, आप एक होकर करके सदन में इस सवाल को उठाने का काम करो, सदन को पूरे रूप से ठप करने का काम करो, क्योंकि एक अध्यादेश ला करके इस वर्गीकरण के फैसले को रुकवाना चाहिए। लेकिन सर, कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेता हैं जो SC ST समाज से आते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, कहते हैं कि हम इस समाज के नेता हैं, वो लोग भी बैठे हुए हैं और वो खुलकर उस बातों का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो मांझी जी हो। चिराग पासवान की जहां मैंने जो समाचार पत्र पढ़ा,
और उनके पार्टी के एमपी लोगों ने भी कहा है। हम वो बात नहीं जानना चाहते, हम कहते हैं कि एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, ये पूरे देश का सवाल है और देश में सब लोग इस सवाल को लेकर करके एक होना होगा। और एक होकर करके जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान है बाबा साहब भीमराव के द्वारा, और जो पूना पैक्ट 1932 में हुआ था उसका सीधा सीधा उल्लंघन है। ये गांधी के साथ भी अत्याचार है और अम्बेडकर के साथ भी अत्याचार है, और स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अत्याचार है, संविधान सभा में बैठे हुए लोगों के साथ अत्याचार है, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान है। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट का कहना है जो आर्थिक रूप से प्रबल है उन्हें आरक्षण की क्या आवश्यकता है? ये आरक्षण आर्थिक रूप से दिया ही नहीं गया है, आर्थिक का सवाल कहाँ से आ गया? ये आर्थिक रूप से आरक्षण नहीं दिया गया, सामाजिक विषमता के सवाल पर, छुआछूत के सवाल पर, अनटचेबिलिटी के सवाल पर, शिक्षा में लोगों की भागीदारी नहीं के सवाल पर, इस सवाल पर दिया गया है। इसमें आर्थिक कहां सवाल आता है? आर्थिक आता है, अगर आर्थिक बात करना चाहते हैं तो बांट लो देश भर के सारे संपत्ति को, बराबर बांट दो। क्यों एक व्यक्ति के पास कई अरब करोड़ रुपया का भंडार रहेगा और एक व्यक्ति के पास खाने के लिए भी पैसा नहीं रहेगा? बांट दो, समानीकरण कर दो, कर दो। हम तो कहते हैं कि राष्ट्रीयकरण कर दो, पूंजी का, संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करो, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करो, करो, करोगे? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब का राष्ट्रीयकरण करो, है हिम्मत? ये धर्म के ठेकेदार लोग जो राज चला रहे हैं, देश चला रहे हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं दलितों के कंधे पर बैठ करके बंदूक चलाना बंद करो, और दलितों की जो अत्याचार करना बंद करो, उसके अधिकार को। हम लोग पहले भी कहते थे कि संविधान पर बहुत बड़ा कुठाला घात होगा, संविधान बदलने का काम किया जाएगा। ये परोक्ष रूप से पर्दे के पीछे से ये सब काम हो रहे हैं, इसका जितना विरोध करना चाहिए पुरजोर सबसे विरोध करना चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष तो हमेशा आप लोग पे उल्टा आरोप लगा रही है कि लोकतंत्र के हत्यारे वो हैं, हमें कह रहे हैं 60-70 सालों से लोकतंत्र का इस्तेमाल करके सत्ता पे काबिज रहे हैं, इमरजेंसी जैसी चीजें लागू की, और आज हमें आरोप लगा रहे हैं जबकि हम तो देश में विकास करने वो तो सबसे बड़े विकसित लोग हैं, मंदिर बना रहे हैं। एक चीज बता दे, एक कोई काम जो दलितों पिछड़ों अकलियतों के लिए उन्होंने किया? हाँ किया है, दलितों का अपमान किया है, पिछड़ों का अपमान किया। मंदिर बनाना विकास है क्या? मस्जिद बनाना विकास है क्या? ये विकास है क्या? दिन पूरे देश में सांप्रदायिकता की हवा फैला देना, जनता भी तो कहीं ना कहीं उससे खुश है, तब तो वोट मिल रहा है सर उनके, लोग जीत कर वोट मिल रहा है, क्या वोट नहीं मिल रहा है, इस पर हम कुटी कोटिपनी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ये तो सवाल है कि देश को विखंडित करना, संविधान की आत्मा को आहत करना, ये काम सत्ता के द्वारा किया जा रहा है। अगर सही रूप में वो दर्द है उनको तो अध्यादेश लाए और इस वर्गीकरण के आदेश को निरस्त कराने का काम। आगे का क्या कदम होगा सर अगर आप लोगों की इन बातों पर नहीं रखा जाता है बात, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया, आगे का क्या? हम अपनी रणनीति नहीं बताएंगे, लेकिन हम लोग बातचीत चल रही है, देश भर में बातचीत चल रही है, और बातचीत चल कर करके 2 अप्रैल का जो घटना हुई थी उस घटना से भी बड़ा व्यापक आंदोलन होगा। पूर्व आरजेडी के विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं सर, वो तो SC ST का आरक्षण पे तो सवाल उठ ही रहा है, लेकिन बिहार के आरक्षण की बात आपसे कर लेंगे, जो 65% बढ़ाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जो रद्द किया था उस पर रोक लगा दी है, क्या मतलब उस पर कोई भी फैसला नहीं सुना है, इस पे आपकी क्या? देखिए इस देश में सबसे अव्वल दर्जे के आरक्षण के दिलाने वाले नेता कोई है, उस व्यक्ति का नाम है लालू प्रसाद यादव, और अभी हमारे नेता बता रहे थे विषमता के आधार पर आरक्षण की बात इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किए थे, उसी आधार को मानते हुए हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी सत्ता में आए थे तो उन्होंने बहुजन और अति पिछड़ों की आरक्षण की बात किए, और उन्होंने सामाजिक परिवेश में जितना भी हो सका उस आरक्षण को उन्होंने देने का काम किया था। लेकिन आज मुझे बड़ा ही अफसोस हो रहा है कि हमारे ही लोग, कुछ लोग मंत्री विधायक बनने के लोभ में आरक्षण का जो लोग विरोध कर रहे थे उनके पीछे लग करके इसको जो है सो समाप्त करने का जो साजिश चल रही थी सरकार को, केंद्र और इस राज्य की सरकार को, उसमें जो है सो उन लोगों ने भी हाथ बढ़ाने का काम किया है। तो हम लोग इस पर बहुत गंभीरता से लिया है, और मेरा भी जो है सो 5 तारीख को इस आरक्षण के मुद्दा पर हमने
बैठक जो है सो कार्यकारिणी का जो है सो बुलाने का काम किया है, फिर आगे की रणनीति पर हम लोग आपस में बात करके जो है सो तय करेंगे। जब भी आप लोग सत्ता पक्ष पे सवाल उठाते हैं आरक्षण को लेकर या विशेष राज्य की दर्जे को लेकर, तो सत्ता पक्ष के लोगों का ये कहना होता है कि जब आपकी सरकार 15 साल थी तब आपने विशेष राज्य के दर्जे के बारे में क्यों नहीं सोचा, तब आपने आरक्षण क्यों नहीं बढ़ाया, और उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी सत्ता में भी, तो आपकी पकड़ भी मजबूत थी, तो तब आपने इसके लिए काम क्यों नहीं किया। जो लोग आरक्षण की बात करते हैं सत्ता पक्ष के लोग, उनको आरक्षण से कोई मतलब नहीं है, और जो जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, जो लोग हमारे लोग उनके साथ खड़े हैं, उन लोगों को आगे आकर के बात करनी चाहिए। एक भी आदमी का नाम बता दीजिए, कोई देश और राज्य का नेता हो जो आरक्षण की बात करता हो, पिछड़ा और बहुजन की, वही लोग हैं जो जिनको आरक्षण का जो है सो मतलब नहीं है। वो तो क्या है, हमने ही आरक्षण दिया, आपने क्या पहल की। अरे भाई, वो लोग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे कुछ लोगों को जो है सो साथ में लेकर के और मुखौटा बन के जो है सो आरक्षण का तार तार कर रहे हैं इस देश में। आरक्षण किनको मिलना चाहिए, जो हर स्तर से गिरा हुआ आदमी है, जो शिक्षा के स्तर में गिरा हुआ है, जिनको घर नहीं है रहने के लिए, जो किसी ढंग का व्यवस्था नहीं है, और समाज में जो है सो हमेशा अपमानित कुछ लोगों ने जो है सो करने का काम करता है, वैसे लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और सिर्फ जो है सो आरक्षण के नाम पर ये लोग जो है सो हम लोगों को अपमानित करते हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा और बहुजन के लोगों को, और हमारे ही कुछ लोगों को तोड़ करके और आगे लेकर के जो है सो खड़ा रखते हैं कि आरक्षण का लाभ यदि उनको मिल जाएगा तो विकसित हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, और देश का और बिहार का जो है सो विकास होगा। विशेष राज्य की मांग पर वो लोग साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हमारा बिहार जो है उस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता है, तो कैसे मिलेगा। तो आरक्षण विशेष राज्य के दर्जा की मांग तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सबसे आगे आकर के कर रहे थे, हम लोग तो बहुत शुरू से ही कर रहे हैं हमारे नेता, कि विशेष तौर पर जो है सो विशेष पैकेज, विशेष राज्य की दर्जा मिलनी चाहिए। लेकिन जो नीतीश कुमार जी कल तक के बोल रहे थे कि अब हम चले जाएंगे बीजेपी के साथ, आरक्षण जो है सो विशेष राज्य का दर्जा हम जा करके ले लेंगे, तो उनका क्या हुआ, उनको तो थोड़ा सा भी नैतिकता बचा हुआ है तो मैंने एकदम जितना जल्दी हो सके वो जो है सो उस के तरफ से हट करके और अपना जो है सो उनका राजनीति जो है सो शुरू करना चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं कि हमारे साथ आप आ जाइए, लेकिन अपना भी तो दे इस राज्य के जनता के सामने जो है सो अपना चेहरा लाइए। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो इसके लिए तो बोले थे जो हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, ना हम किसी के साथ रहेंगे, लेकिन आप उन्होंने जा करके जब सरकार बनाने का काम किए, इन्हीं के भरोसे और इन्हीं के चलते इस देश में सरकार है, तो उनको तो अब रिजाइन दे करके हटना चाहिए वहां से। क्या लगता है 65% आरक्षण जो बढ़ाई गई थी उस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट देगी, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि फैसले को सुरक्षित रखा गया सितंबर में। देखिए, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी बहुत गंभीरता पूर्वक इस आरक्षण की लड़ाई उन्होंने शुरू से ही जो है सो किया है, और इसमें जो है सो आगे बढ़ के बात किए थे, और 65% आरक्षण का जो दायरा बढ़ाई गई थी उसमें अहम भूमिका हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का है। हमारे नेता ने कल प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने अल्टीमेटम देने का काम किया है, और आगे की रणनीति पर हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो जो है सो अपनी बात जो है सो कर रहे हैं। आगे जो भी रणनीति होगा, जो लड़ाई का जो है सो हम लोगों का रास्ता बनेगा, उसमें जो है सो हम लोगों का लड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद सर। तो साफ शब्दों में ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी विशेष राज्य की मांग की दर्जे को लेकर चले थे, थोड़ी सी भी अगर उनमें नैतिकता बची है तो वो अपनी राजनीति अलग शुरू करें, हमारे साथ आए या ना आए उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अलग हो जाए, क्योंकि बीजेपी के साथ वो इसी वजह से गए थे ताकि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा सके। बाकी SC ST SC ST आरक्षण को लेकर साफ शब्दों में श्याम रजक जी का कहना है कि ये हमारे साथ अपमान हुआ है, हमारे साथ छल किया जा रहा है, क्योंकि आर्थिक तौर पे हमें वो आरक्षण नहीं मिला था, हमारे साथ जो सामाजिक भेदभाव किए जा रहे थे उसके तौर पे मिला था, और आज भी हमारे साथ वो भेदभाव किया जा रहा है। अगर यही बात है तो आर्थिक संपत्ति सब में बराबर बराबर बांट दी जाए, फिर आर्थिक के हिसाब से आरक्षण की बात की जाए। बाकी इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज़ देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू है, बहुत बहुत धन्यवाद।